सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज विकास पर्व पर मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना लॉन्च की। प्रदेश की समूह से जुड़ी 367,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक 1.5 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। इस दौरान कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी शिरकत की। योजना के शुभारंभ पर राज्य के विभिन्न जनपदों से महिलाएं पहुंची। इसके साथ ही समूह से जुड़ी उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत राज्य के 1.5 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की कार्य योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश में महिलाओं की इनकम बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। खास बात ये कि ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से इसके लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। सीएम धामी ने कहा कि इस योजना से प्रदेश के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का फायदा होगा। इस योजना के जरिए महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। समूह से उन्होंने अपील की है कि वे अपने समूह से ज्यादा महिलाओं को जोड़ें। मेले से वे इस योजना के बारे में पूरी जानकारी लेकर जाएं। एनके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। आज लखपति दीदी मेले का आयोजन किया हमारे ग्राम्य विकास विभाग को, कि इसके माध्यम से जहां हमारी बहनों को लाभ मिलेगा, हमारी मातृशक्ति को लाभ मिलेगा, उनको आगे आने का अवसर मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम जहां आजीविका को बढ़ाने का काम करेंगे, वहीं रोजगार और स्वरोजगार देने का भी काम करेंगे। मैं आज के अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देते हुए, अपनी बहनों को बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आप यहां से जाएं तो ये योजना हमने क्या बनाई है, हमारी सरकार ने कौन सी योजना बनाई है, उस योजना को ठीक प्रकार से समझने की आवश्यकता।